कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो काहारे कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो काहारे संसार संसार मिचे गे लोका संसार संसार कोरी मिचे गे लोका संसार संसार कोरी मिचे गे लोका संसार संसार ना कोई लोकी छो घटिलो जंजाल लाभ ना कोई लोकी छो घटिलो जंजाल। ये बहुत ही दुर्लभ मानव जीवन है, 84 लाख योनियों के बाद में एक बार मिला है। आफ्टर 84 लाख स्पीसीज वी गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और इस जीवन में यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इस संसार में हम मैं और मेरा, वी थिंक आई एंड माइन, और इसके लिए इतना स्ट्रगल करते हैं। वी वर्क सो हार्ड फॉर लाइफ, पीपल आर वर्किंग टू अक्यूमुलेट मोर मोर मोर, है? सो दिस इज कॉल्ड संसार। This is called samsar. Samsar means I and mine. Samsar means I and mine. So samsara samsara gore miche gelo kal. Samay kal ka matlab samay. Samay chala gaya. Samay chala gaya. Labh na hoilo kichu ghatilo janjal. No real benefit. कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला और बहुत ज्यादा संसार में मैं बंध गया, राइट? इंटेग्रेट मोर एंड मोर इंटेग्रेट। किशेरा संसार ही छायाबाजी प्राण इहाते ममता कोरी वृथा दीन जा देह पता न हो रे के रोबे जाए नामी
भी चलिन चढ़ी बोको नदी माई बाबी चढ़ी बोको नदी ना नहीं बाबी देह चढ़ी बोको नदी माई बाबी देह चढ़ी बोको नदी ना देह के हकल चली चिंता विरात जागी हाय हाय नाही बाबी अनिश्चय ये कैसा संसार है, ये सब एक ड्रामा के जैसा है, छायाबाजी प्राय इज जस्ट लाइक ए ड्रामा, बिग ड्रामा। जब हमारा शरीर हम छोड़ देंगे तो कौन हमारे नाम पर रोएगा, ऐसा हमारा भ्रम है कि लोग हमारे लिए रो रहे हैं। दिस इज ए इल्यूशन, दिस इज एन इल्यूशन दैट पीपल आर क्राइंग फॉर अस, बट नो वन इज क्राइंग फॉर यू, ऑल आर क्राइंग फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। के रोबे अमार, कौन रोएगा मेरे। There is a beautiful story. एक राजा को उसकी पत्नियां बहुत प्रेम करती थी, they loved him so much. अचानक राजा की मृत्यु हो गई तो सारी पत्नियां शोक करने लगी, बहुत रोने लगी, सब विलाप कर रही थी, उसके शरीर से लिपट लिपट के रो रही थी, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हमको छोड़ के मत जाओ। और उसके शरीर को उन्होंने जलाने नहीं दिया, शास्त्र का नियम है कि यदि दिन में किसी ने देहांतरण किया है तो सूर्यास्त के पहले संस्कार करो, बट दे डिड नॉट अलाउ। रात हो गई और वह विलाप कर रही है तो एक साधु उस गांव में जा रहे थे, साधु को मालूम पड़ा, साधु आए, हाँ आप लोग बहुत दुखी हैं, हाँ आप लोग को इनको नहीं जाना था, अभी हम चले जाते तो क्या था, क्या कहा तो साधु ने कहा ठीक है मेरे पास योगिक शक्तियां हैं, I have the yogic powers. तो आप में से कौन अपना जीवन देना चाहता है, तैयार हो जाओ, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। क्या कहा? Yes, I will make you die and he will become alive. Interchange कर सकता हूँ मैं, साधु हूँ, I have yogic powers. आप इतने लोग तैयार हैं, टेंशन आ रही हो, साधु ने कहा। और उसके बाद क्या हुआ ये तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप लोग समझदार हो, सबने एक दूसरे की तरफ देखा, तू चली जा, मेरा तो काम अभी बाकी है, कोई नहीं गया। तब साधु ने राजा को थपथपाया, चलो उठ जाओ, देख लिया ना तुमने, तो राजा की आंखें खुल गई। इसके पहले साधु इतना बता रहा था, भाई तुम थोड़ा
भगवान का नाम लो, भक्ति करो, पर ये मैं कैसे करूं, कहां टाइम है, सब कोई मेरे को इतना प्रेम करते हैं, इनको छोड़ करके कैसे टाइम निकालूं। तो साधु ने उसको सिखाया था किस प्रकार से तुम मरने का ढोंग कर सकते हो बिना मरे हुए, श्वास को कैसे रोक सकते हो। और तब राजा ने स्वयं देख लिया, यही सत्य है के रोबे अमार गदर्वेर मत अमी कोरी परिश्रम, गधे के समान में परिश्रम कर रहा हूं। सारे लोग का एक ही स्टोरी है, सुबह से लेकर रात तक सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि लाभ क्या होगा। आप कितना भी जमा करो, कितना भी संग्रह करो, अंतर कुछ नहीं पड़ने वाला। जब तक भगवान की भक्ति नहीं की गई कोई लाभ नहीं। दिस इज मीनिंगफुल जो आज हम कर रहे हैं। नाइस हाउस प्रभु जी हैज कंस्ट्रक्टेड एंड हम सब मिल करके उस घर में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, देन इट इज मीनिंगफुल। अदरवाइज नो यूज। सो गदर्वेर मत अमी करी परिश्रम, कार लगी एतो करी ना पूछिलो ब्रह्म, कि ब्रह्म नहीं जा रहा है क्यों इतना मेहनत कर रहा होगा क्या। मिस्टर सिंघानिया ने इतना मेहनत किया, 13,000 करोड़ जमा किए ऑफिशियल, हाउ मच 13,000 करोड़, और बेटे ने नोटिस दिया कि घर से बाहर निकल जाओ। यस, न्यूज़पेपर में रेमंड कंपनी के ओनर, यही सत्य है। कार लगी है तो करी ना पूछी जा रहा, आज जमा करते रहो, और बच्चा आपको पहले नहीं निकालेगा तो बाद में निकालेगा। सो हम जो मूल उद्देश्य है, द रियल पर्पज इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको हमेशा याद रखो, द रियल पर्पज। दिन जाए मिचे काजे निशा निद्रा वसु, दिन में काम करते रहते हैं और रात को सोते रहेंगे। इस प्रकार से इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मृत्यु हमारे नजदीक में खड़ी हुई है, मृत्यु हमारे बगल में। सिर्फ खाने के स्टैंडर्ड के बारे में चिंता कर रहे हैं, कैसे अच्छा खाना खाना है, कैसे अच्छे कपड़े पहनने हैं, कैसे लोगों के सामने प्रभावित करना है, उन तीन चीजों से क्या वास्तविक लाभ होगा। देह गेह कलत्रादि चिंता विरह, हमेशा जब तक जीवित हूँ घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, अपने संबंधियों का विचार हो रहा है, ऑलवेज वरी, ऑलवेज केयरफुल अबाउट दैट। परंतु कृष्ण हमारे वास्तविक संबंधी है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, उनके बारे में कोई भी चिंता नहीं। इसलिए ये जितना भी संसार के बारे में चिंता करो, नो बेनिफिट। हाय हाय नहीं भाभी, अनित्य ये सब, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि ये सब तो टेम्पररी है, ऑल दिस इज टेम्पररी, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इटर्नल। संसार शरीर मम पड़िया रही बे, संसार में हमारा शरीर पड़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बियंग पतंगताए बिहार करी, और जब हमारा शरीर वहाँ पड़ा होगा तो
जो गिद्ध है, चील है, वो सब बड़े खुश होंगे। आज हम लोगों के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल है, दे विल बी वेरी हैप्पी। ऊपर से देखेंगे चील, कौवा, गिद्ध और बड़े खुश होंगे। आज तो अच्छा फीस्ट मिलेगा। शमशान है शरीर मर पड़िया रही व्यंग पतंग करे आनंद पड़ी कुकुर मृगाल सब आनंदित हमारे कुत्ते भी खुश होंगे और सियार। तीन स्थितियां हैं। मान लीजिए किसी की अकाल मृत्यु हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हो जाते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का भी हो जाता है, प्लेन क्रैश कर गया जंगल में, टुकड़े भी नहीं मिले, राइट, टुकड़े भी नहीं मिले। तो आपको नहीं मिले, परंतु वो सारे गिद्ध, चील, कौवे, सियार, उनको सब मिल गए, वो खोज लेते हैं, राइट। सो दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन कि घर वालों ने ले जा करके चला दिया, सेकेंड सिचुएशन, तो घर वाले ले जाके जलाएंगे तो क्या करेंगे, बेटा सर फोड़ेगा, बेटा कपाल क्रिया बोलते हैं, कपाल क्रिया एक ही काम आता है, यस दिस इज अ रिचुअल। बेटा क्या करेगा, कपाल क्रिया करेगा, सर फोड़ने का, जिंदा है वैसे फोड़ता है, आप बड़े खुश हैं। तो ये देह जे देह यही गति तारा अनुगत संसार वैभव आर बंधु जन जन, ये संसार के जितना वैभव है, जितना समृद्धि है, कोई काम में नहीं आती। अतएव माया मोह छाड़ बुद्धिमान, इसलिए है बुद्धिमान व्यक्ति ये सांसारिक माया और मोह को छोड़ दो, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान, भगवान कृष्ण की भक्ति ये एकमात्र सार है, इसका अनुशीलन करो। सबके पास जितना जीवन बचा है अभी, एक ही चीज संग्रह करने की है, जमा करने की है, वो है कृष्ण भक्ति। व्हाट इज दैट, जब भी मौका मिलता है कृष्ण भक्ति बड़ी सरल है, जैसा आज हम कर रहे हैं, जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक साथ मिलिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, अभिषेक कीजिए, भगवान का सत्संग कीजिए, सुनिए और लोगों को ऐसा करने का मौका दीजिए, देन एवरीथिंग इज मीनिंगफुल। अन्यथा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो सकती है। धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की। जय।